और आज है डे 4। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मालवन, और टाइम हो रहा है 9। और आज का प्लान कुछ ऐसा है कि अभी जा रहे हैं स्कूबा डाइव के लिए, तो उन्होंने टाइम दिया है 9:30, तो अभी हाफ एन आवर है। तो पहले तो जाएंगे ब्रेकफास्ट करेंगे, और हुआ तो या तो पहले स्कूबा डाइव करने के बाद ब्रेकफास्ट करेंगे। बोट आ गई हमारी, जिससे हम जाएंगे बैठ के स्कूबा डाइव के लिए। टाइम हो रहा है 2:45, और अभी मालवन से निकले हैं गोवा के लिए, और आज है डे 4। हम मालवन से निकल चुके हैं, और ये जो रोड है काफ़ी अच्छा है, बिकॉज क्लाइमेट यहाँ का काफ़ी ग्रीनरी होने के वजह से हल्की हल्की ठंड जैसी लग रही है, जो बहुत ही अच्छी है राइडिंग के लिए। और ये बता दें कि वेदर थोड़ा क्लाउडी है आज, और ऐसी धूप तो नहीं है, तो ये एक चीज़ अच्छी है हमारे लिए। तो अभी तो फ़िलहाल 3 बज रहा है, देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं हम गोवा। क्या बात है, हल्की हल्की बारिश, भगवान क्या है ये, दिसंबर आ गया और बारिश गई नहीं। तो जो कोई भी अगर थोड़ा मतलब मुंबई टू गोवा राइड करना चाहते हैं, थोड़ा एडवेंचरस कर बनाना चाहते हैं उसे, तो कोकन वाले रास्ते से आइए, जो कोकन से आता है गोवा की तरफ। रास्तों पे बीच में काम चालू है, कुछ ज़्यादा दूर तक कुछ ऐसा ख़राब रास्ते तो नहीं है, बट है बीच बीच में। पर जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा है, और जो एक राइडर को राइड करते टाइम ऐसे व्यू दिखेंगे तो वो तो पूछे मत उसे कैसा फील होएगा। तो इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप कोकन साइड से आएंगे तो काफ़ी अच्छा आपको व्यू मिलेगा, नेचर मिलेगा, क्लाइमेट भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, तो ज़रूर आइए। तो पंजाबी ढाबा एक दिखा हमें, तो भूख लग रही थी, तो यहाँ पे अभी लेते हैं लंच ब्रेक, फिर लंच करने के बाद राइड स्टार्ट करेंगे। अरे बाबा, ऑलराइट गाइस, अभी टाइम हो रहा है 4:15, और अभी हम रुके हैं लंच ब्रेक के लिए, और जहाँ रुके हैं वो है मन पंजाबी ढाबा। तो देखिए, हमने अभी फ़िलहाल ऑर्डर देके आए हैं, अंदर ऑर्डर दिया है पंजाबी थाली, और अफान ने ऑर्डर दिया है पनीर टिक्का और नान। तो देखते हैं, खाते हैं, और फिर अगेन राइड स्टार्ट करेंगे अराउंड
89 किलोमीटर्स और है। एक्चुअली हमें साउथ गोवा जाना है, तो अराउंड यहाँ से 89 किलोमीटर्स बता रहा है, तो देखते हैं और कितना टाइम लगता है। अभी तो 415 हो रहा है। टाइम हो रहा है 5:10 और जस्ट लंच हुआ और अभी यहाँ से निकल रहे हैं। तो मन पंजाबी ढाबे का जो खाना था, वेज पंजाबी थाली थी, काफ़ी अच्छी थी और खाना भी टेस्टी था, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी एनर्जी भी आ गई है और अभी निकले हैं यहाँ से, कुछ 89 किलोमीटर्स है और साउथ गोवा, तो देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। और क्लाइमेट तो वैसे ही पहले की तरह लाजवाब एकदम। और आई थिंक शायद हम पहुंचने वाले हैं अभी। तो फाइनली पहुंच गए, फाइनली हम पहुंच गए गोवा। और पहुंच तो जल्दी गए थे 8 बजे, बट यहाँ पे पावर सप्लाई नहीं था, उसकी वजह से ब्लॉग एंड नहीं कर पाए। तो अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 11:45 और हमने डिनर कर लिया फाइनली। तो ये ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।